तो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल तो आज हमारा है दूसरा वीडियो ऑफ अ बिजनेस रिसर्च सेगमेंट क्योंकि जैसे कि मैंने बैंक ऑफ बरोडा ये वीडियो से चालू किया था टू डू अ कंप्लीट बिजनेस रिसर्च सो दैट इन्वेस्टर्स वुड गेट अ कंप्लीट आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड द कंपनीज़ इन द बिजनेस वर्ल्ड तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो बिजनेस रिसर्च का इसके पहले अगर आपने बैंक ऑफ बरोडा का वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वन पे मैंने रेकमेंड किया था ये स्टॉक को परचेस करना जिसमें तीन एग्जिट्स दिए थे मैंने अचीव प्रोफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड नाउ अवर फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू अचीव इन द कमिंग डेज तो बैंक ऑफ बड़ोडा से थर्ड टारगेट कौन से जानने के लिए उस वीडियो को जरूर देख लेना बट ये वीडियो खत्म होने के बाद बिकॉज इन टू डेज आई एम गोइंग टू डू अम्प्लीट रिसर्च ऑन गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड बिकॉज दिस कंपनी हैव वेरी गुड फंडामेंटल्स स्ट्रांग फंडामेंटल एंड इन द कमिंग टू टू थ्री मंथ इट इज गोइंग टू बर्स्ट आउट टू गिव अ वेरी गुड प्रोफिट टू द इन्वेस्टर्स But before starting today's video, I just want to make one thing clear that all the business research and analysis done in this video is entirely by me. So if you also want to invest in such companies, then you can do, but after your own research and analysis, because I am not forcing anyone to do any kind of financial investment entirely based on my opinion. So chalye, let's start with our second business research video of Goldium International Limited. first of all let's see that what the company do so incorporated in 1986 goldium international limited is engaged in the business of manufacturing and exporting gold and diamond jewelry to global retailers यानी कि दुनिया भर में ये कंपनी गोल्ड और जो ज्वेलरी रहती है डायमंड्स रहते हैं जो गोल्ड ज्वेलरी है डायमंड्स है ये सबका मैन्युफैक्चरिंग करती है और उस मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करती है तो आप सोच सकते हो कि कंपनी का बिजनेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी ये कंपनी पर फोकस करने का जो मेरा मेन रीज़न वो ये है कि अगर आप देखोगे तो अधिक मास का जो महीना था वो इस साल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आया था अब अधिक मास क्या होता है पहले वो देख लेते सो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देर इज एन एक्स्ट्रा मंथ और अधिक मास एज पर द हिंदू लूनर कैलेंडर दिस एक्स्ट्रा मंथ स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड एंड ऑन सिक्सटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एज इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री कृष्ण यानी कि अधिक मास के महीने में हिंदू धर्म में क्या होता है क्योंकि हिंदुस्तान में एटी परसेंट लोग तो हिंदूज है तो मोस्टली क्या होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुरुषोत्तम मास 2023 यानी कि जो अधिक मास का जो समय होता है

और उसके चलते हमारा जो अधिक मास का महीना है वो भी खत्म हो चुका है सो so नाव ये जो गोल्डियम इंटरनेशनल है यानी कि लोग अब नवी चीज़ें खरीदने के ऊपर फोकस करेंगे गोल्ड खरीदेंगे गोल्ड खरीदेंगे जितना ज़्यादा गोल्ड खरीदना चाहेंगे जितना डिमांड बढ़ेगी उतना मैन्युफैक्चर होगा और मैन्युफैक्चर कौन करेगा गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड तो डे बाय डे इसके प्राइजेस भी आने वाले दो से तीन महीनों में बहुत ही ज़्यादा शूटअप कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये सब है ना सीजनल स्टॉक्स है ये आपको ऐसा नहीं कि साल भर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देते होंगे ये आपको एक पर्टिकुलर लेवल पर एंट्री करने के बाद प्रॉफिट देंगे आप प्रॉफिट बुक करो बेच दो फिर ये स्टॉक नीचे आएगा फिर जब इसका सीजन आएगा यानी कि गोल्ड खरीदने का जब सीजन आएगा क्योंकि अब दोस्तों कैसा है अब विंटर्स आ रहे हैं अब कुछ जैसे बारिश का महीना दो तीन महीनों में खत्म होगा फिर विंटर्स आ जाएंगे तो विंटर्स में जो शादियों का सीजन है वो चालू हो जाता है और शादियों के सीजन में ऑल ओवर इंडिया जो गोल्ड का परचेस है वो हाइएस्ट एवर रिकॉर्ड होता है तो ऐसे केस में ऐसी गोल्डियन इंटरनेशनल जैसी जो कंपनी है इसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते और यह हमारा सोल रीजन नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का जब मैंने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे तो कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप जब खुद एनालाइज करोगे तो आपको समझ जाएगा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1393 करोड़ यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है इसका करंट मार्केट प्राइस जो इसके शेयर का प्राइस है वो है वन ट्वेंटी के आसपास और अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में ये वन सेवेंटी नाइन रुपीज तक जाके आ चुका है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सीजनल स्टॉक्स है ये ऊपर जाएंगे आपको प्रॉफिट बुकिंग का फुल मौका देंगे आपको सेल करना है फिर नीचे आएंगे फिर आपको एंट्री पॉइंट मिलेगी और ऐसे करते करते इसमें से आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो एंड इफ़ यू विल सी हियर स्टॉक पी ऑफ दिस कंपनी सेवनटीन पॉइंट थ्री यानी कि सेवनटीन पॉइंट थ्री का स्टॉक पी है और अगर ये जो इंडस्ट्री यानी कि डायमंड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स की जो इंडस्ट्री है उसका पी ई है थर्टी वन पॉइंट टू एंड इन सच केसेज वेद द स्टॉक पी ई इज लेस देन द इंडस्ट्री पी सो सच कंपनी हैज फुल पोटेंशियल ऑफ रीचिंग टू द पी ई ऑफ द इंडस्ट्री यानी कि अभी जो सत्रह का पी चल रहा है वो आने वाले टाइम में थर्टी वन का पी हो जाएगा और जब पी ई थर्टी वन का हो जाएगा तो जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि द ऑफ प्राइस टू अर्निंग इज एज करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर तो जैसे जैसे करंट प्राइस बढ़ेगी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे ये पी थर्टी वन पर पहुँच जाएगा और जब पी इंडस्ट्री के आधे के आसपास हो तो ऐसे केस में फुल पोटेंशियल होता है कि फ्यूचर में वो पी ई इंडस्ट्री पी को एक्सीड कर दे या फिर उसके लेवल पर पहुंच जाए Even if you will see the current ratio of this company, it is 4.76. Ideal current ratio is around two, and the company's current ratio is 4.76, which means that the company has four times more assets than its liabilities. And also, one of the best plus point here is that it is a debt-free company. It means that company has zero debt. Moving forward, if you will see the P ratio chart of this company. So whenever I have told you in the previous video also in the Bank of Baroda video that whenever this blue line is below and these bars are above the blue line it means that the business of the company is growing far more better than the company stock price so in such cases it is more possible that in future this blue line will reach to the mark of the business of the company and when this blue line will reach here the stock price will automatically grow and give you a handsome returns if you will see the pros and cons of the company so there are four pros and only one con

तीसरे साल में एक सौ बत्तीस का बत्तीस परसेंट ऐसा कंपाउंडिंग बेसिस पे थर्टी टू पॉइंट सेवन परसेंट के कंपाउंडिंग रिटर्न्स के साथ इसने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है विच आर डेफिनेटली वेरी गुड नंबर्स कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट फोर परसेंट यानी कि इनका डिविडेंड पे आउट ट्वेंटी टू पॉइंट फोर परसेंट का है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कमिंग डाउन इफ यू विल सी द पीयर कम्पेरिजन जब हम गोल्डियम uh, इंटरनेशनल को इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो डायमंड जे, जेम्स और ज्वेलरी का जो भी इंडस्ट्री है उसमें ये सबसे नीचे आता है इसकी लिस्ट में सेवेंथ नंबर पे आता है लेकिन अगर आप बाकियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो सबके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा है और सबसे कम गोल्डियम इंटरनेशनल का ही है बट डिस्पाइट हैविंग द लोएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ डायमंड कटिंग एंड ज्वेलरी इफ यू विल सी द डिविडेंड डिडन द डिविडेंड रील गिवन बाय गोल्डियम इंटरनेशनल इज द बेस्ट बिकॉज टाइटन कंपनी इज हैविंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टू लैख नाइन्टी थाउजेंड करोर But then too it is giving a dividend of 0.31% and Goldium International despite being a very small company the dividend given by them is around 1.56% which is very astonishing. If you will see the return on capital employed then to the Titan company is giving of 25% but Goldium International despite being a very small company of the industry still giving a healthy returns of 21.17%.

पर ऐसा नहीं दोस्तों मैंने पहले भी बोला कि अभी आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कर दो ये सब मेरा रिसर्च और एनालिसिस है आपका जो भी रिसर्च और एनालिसिस है वो आप खुद करिए खुद का डिसीजन लीजिए बिकॉज एट द एंड द इन्वेस्टिंग इज़ वेरी रिस्की क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती है लेकिन हमें दो परसेंट पाँच परसेंट दस परसेंट नहीं कमाना है हमें थोड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने जिसके लिए थोड़ा सा रिस्क हमें लेना पड़ेगा लेकिन आप जो भी रिस्क लोगे वो आपके रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से लेना

And the net profit of the company has been steadily increasing from 9 crores in 2012 to 53 crores in trailing 12 months' time. Moving towards the ticker tape, when you will search uh, Goldium International on ticker tape, you can see that the valuation of the company is slightly high, seems to be overvalued versus the market average. But what I am saying is that in the coming times, as the Adikmas is completed and the festive season is on the watch, we can expect a very good rally in this particular stock. But it is my opinion, my strategy you can take your own decision after your own research and analysis the growth of the company is slightly low but as soon as the purchasing of gold in the india enhances the growth will be steadily high and this low sign will change to high in some in the coming times if you will see the profitability of the company it is still quite high showing good signs of profitability and efficiency because as i am saying that the festive season is going on

It is the right point to get into such particular stock. If you will see the red flags, there are no red flags. It means that there is minimal risk in investing in this particular stock. Moving forward, you can see that higher than industry net income over the last five years, net income has grown at a yearly rate of 33.15% versus industry average of 10%. It means that in net income. तैतीस परसेंट से ग्रो हो रही है जबकि इंडस्ट्री जो है यानी कि ज्वेलरी की जो इंडस्ट्री है उनकी नेट इनकम केवल 10 परसेंट से ग्रो हो रही है कैन इमेजिन द वेल्थ इट इज गिविंग टू इट्स इन्वेस्टर्स सो नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो सो आई एम अबाउट टू कॉन्क्लूड माई यू द एक्सैक्ट टारगेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक सो राइट नाउ इट इज द बेस्ट लेवल टू एंटर इन टू गोल्डियम इंटरनेशनल मीन एट द प्राइस ऑफ वन टू वन In between this, you can shortly enter, even if it crosses 135, you can still enter because anything below 140 is good for an entry point. The three targets which I will be having in this particular stock will be at a price of 160. 180 and 200. It means that you can consider purchasing some handsome amount of shares of Goldium International at the price of current levels. It means that around 128 to 130. The first target will be around 160 rupees. The second target will be around 180 rupees, and the third target can come around 200 rupees. And for this, you should have a time period of at least three to six months. Because as soon as Ganesh should serve, Diwali, Navratri, all these festivals are coming, the stock price of this particular company is gonna grow eventually because the more the gold purchase in India will be, the more will be the price of gold DM International. So that's all in today's video. I am again saying it is not a financial advice. I am not SEBI registered, neither I am a financial advisor. This is just a business research analysis done by me. But always do any kind of investment after your own research and analysis. So thank you so much for watching this video. If you loved the video's content and was it helpful for you? Yes, yeah, no. Do let me in the comment section. Like the video, share the video, and subscribe the channel. Thank you so much.